मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। प्रदेश के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ मुख्य चेहरा है। इसकी वजह दोनों का मुख्यमंत्री चेहरा होना है। इसी बीच छिंदवाड़ा, जिसे कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, वहां के एक गांव से केवल एक वोटर ने वोट डाला है, क्योंकि बाकी स्थानीय लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था। ऐसा उन्होंने कांग्रेस द्वारा एक दूसरे सीट पर स्थानीय नेता को टिकट नहीं देने के विरोध में किया। बता दें कि विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा में कांग्रेस से पूर्व सीएम कमलनाथ और बीजेपी से विवेक बंटी साहू चुनावी मैदान में हैं। साल 2019 के उपचुनाव में इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें लगभग 25,000 वोट से कमलनाथ चुनाव जीत गए थे। वर्तमान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि कमलनाथ का पलड़ा यहां भारी है, लेकिन बीजेपी को भी अच्छा समर्थन मिलता नजर आ रहा है। छिंदवाड़ा विधानसभा सीट क्रमांक 126 के मतदान केंद्र 165 शासकीय शाला शाहपुर में कुल मतदाता 1062 है। इन मतदाताओं में से किसी ने भी दोपहर 3 बजे तक वोट नहीं डाला। पीठासीन अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों ने गांव के लोगों से वोटिंग करने की गुजारिश की, लेकिन अभी तक कोई भी वोट देने नहीं आया। शाहपुरा मतदान केंद्र में 548 पुरुष और 514 महिला मतदाता है। दरअसल शाहपुरा नीरज बंटी पटेल का गृह क्षेत्र है। नीरज बंटी पटेल को चौरई विधानसभा सीट से कांग्रेस का टिकट नहीं मिला था। कांग्रेस इसके कारण नाराज बंटी पटेल ने कांग्रेस से बगावत करके चौरई से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके बाद कांग्रेस ने बंटी पटेल को अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं पटेल चौरई से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। बूथ पीठासीन अधिकारी रमेश ने बताया कि केवल कोटवार गोपाल ने वोट डाला है। उन्होंने कहा कि इसी मतदान केंद्र पर 2018 में 99% मतदान हुआ था। शाहपुरा के लोग बंटी पटेल को कांग्रेस की ओर से चौराहे से टिकट नहीं दिए जाने से नाराज हैं। इसी के चलते ग्रामीणों ने मतदान का विरोध कर दिया। आपको बता दें कि शाहपुरा गाँव कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 90% से ज्यादा वोट मिले थे। ग्रामीणों के बहिष्कार से कांग्रेस और कमलनाथ को झटका लग सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में मतदान के दौरान बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच नोकझोंक की खबरें आई। सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाला। मध्य प्रदेश के दमनी विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को मतदान के दौरान हुई झड़प में 2 लोग घायल हो गए। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। मुरैना के पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मिर्धान गांव में 2 समूहों के बीच झड़प की बात सामने आई। प्राथमिक जांच में पता चला कि मतदान रोकने के बाद इस तरह की स्थिति बनी है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी स्पष्ट किया कि झड़प के दौरान फायरिंग की बात गलत है। झड़प के दौरान अजय शर्मा और राम प्रताप शर्मा घायल हो गए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। करीब 4 दशकों का रिकॉर्ड इस बार MP में टूट गया। मध्य प्रदेश में पिछले 8 चुनावों का इतिहास देखेंगे तो साल दर साल वोटिंग प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 75.63% वोटिंग हुई थी तो कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस बार मध्य प्रदेश में 76.55% से अधिक वोटिंग हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कुछ बूथों को छोड़ दे तो लगभग हर बूथ पर अच्छी खासी वोटिंग हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।